नमस्कार राधे राधे दोस्तों, मेरे ब्लॉग चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरे घर में कुछ स्पेशल सा होने वाला है, और जो भी है आप विस्तार से देखते जाइए और बनी रहिएगा दोस्तों मेरे। तो दोस्तों, मेरी पूजा हो गई है और कान्हा जी देखिए मैंने नहला के ऐसे बैठे हुए हैं, और अभी थोड़ी सी सर्दी है इसलिए मैं इनको वो गर्म कपड़े पहना के रखती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी सर्दी है तो हम लोग पहनते हैं, तो उनको भी मैं पहना के रखती हूँ। और ये है मेरा रुद्राक्ष दोस्तों, ये मैं कल परसों मतलब किसी के यहाँ सोवर सूतरंग हो गया था तो मैं उनके घर भूल से चली गई थी, तो ऐसा कहते हैं कि वो ख़राब हो जाता है, तो इसकी वजह से मैंने वो मतलब दूध में धो के उधर भगवान के मंदिर में रख दिया। और देखिए अब क्या खा रहे हो तुम, मेरी मेरी भी ले ले अंगूर तुमने करने के लिए, और सेब मैंने काट के रखी है, और जो मेरी पोती है देखिए कैसे खा रही है और खा नहीं रही है, कुतर रही है जैसे चूहा कुतर देता है ना उसको सेब को और बेर वगैरह को, उस चूहे कतर देते हैं ना वैसे उसको कुतर कुतर के डाल रही है और खा भी रही है, तो मीठा मीठा लग रहा है इसकी वजह से। तो देखिए फिर लिया, हंसी बहुत आती है, बहुत मज़े आ रहे हैं, वो बाहर ले जाएंगे तो हंसेगी नहीं, और अब भी इसको हंसी बहुत आ रही है। और मैं भी खा ले रही हूँ ये सेब है, सुबह सुबह मेरे को भूख नहीं लगती है कि सुबह खाना वगैरह खा लो, पर हाँ भूख तो नहीं लगती है, पर मतलब ऐसे या तो दलिया वगैरह हो, हल्का खाना हो, फ्रूट हो या अंकुरित अनाज वगैरह हो तो मुझे सही लगता है, ज़्यादा नहीं। और देखिए अब आर्या क्या कर रही है, झाड़ू लेके क्या कर रहे हो, झाड़ू लग रही है, शौक है तो वो भी झाड़ू लगा रही है, और जहाँ से भी ये कहीं भी झाड़ू रख झाड़ू तो मिल गई है ही रख दे, तो पक्का ले ले। आज बना रहे हैं हम, अब हम बना रहे हैं दोस्तों ये आलू काट के रखे हैं, और ये है बाकला, ये है बाकला, और ये प्याज, और ये है मिर्च, प्याज, लहसुन ये काट के रख दिया, और इनको जो हम लोग क्या करें कुचल देंगे, इसको मैं कूट के हमेशा चला गया काट के बनाते हैं। फ्लेवर होता है उसका जो लहसुन का या प्याज होती है वो नहीं आता, तो हम लोग पीस लेते हैं या कूट लेते हैं तो उसका जो फ्लेवर है वो बहुत उभर के आता है दोस्तों। तो ये मैंने कढ़ाई रख दी है, डाल देंगे तेल, तेल की कढ़ाई रख दी है क्योंकि वो लोहे की कढ़ाई सही नहीं थी, तो जल्दी में मैंने वो साफ करते बनी नहीं तो मैंने यही रख दी है, थोड़ा सा और डालूँ कम रह गया है। और अब हम कर लेंगे बस तेल, सरसों का तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये जो मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, और अब डाल देंगे इसमें जीरा, तेल गरम करने के लिए रख दिया और इसमें डाल देंगे जीरा, और जीरा को और डाल देंगे इसमें लहसुन, सुनहरा होने तक भून लेंगे, और फिर डाल देंगे कुचल के, मैंने लहसुन को डाल दिया है, इसमें डाल दिया हरी मिर्च और प्याज को भून लेंगे, प्याज दोनों ही मैंने डाल दिए इकट्ठे, और इसको भी सुनहरा होने तक भून लेंगे हम, देखिए ऐसे हल्की चलाते जाइए, थोड़ा सा ज़्यादा कर दूंगी मैं, एक तरफ ज़्यादा भूनने जाए चारों तरफ कोटेड जैसे हो जाता है ना, भूनने देखिए चारों तरफ से भून जाती है, और अब डाल देंगे इसमें मसाले हम। तो आज मैंने देखना ये कुछ नहीं करने देती, अब सब्जी बना रही हूँ तो ये बोलती है कि ले के रखो मेरे को, अब इसको ले के रखूँगी तो मैं कैसे सब्जी बनाऊँगी आलू, हैं कैसे ले के रखूँगी जब पर्स टांग के रखा है। तो डाल देंगे ये बाकला, अरे चुप जा बैठ पहले, वैसे ये बैठी रहती है आज नहीं बैठ पा रही है ये आरू रोते नहीं है, सब्जी बनाने दो पहले, मैं डाल दूंगी आलू, ना रोते नहीं है बेटा, अब्बा अब्बा क्या होता है, अम्मा बोलो,
अम्मा ऐसे बोल। हाँ नन्ना बाबा अब्बा बस देखो अब मैं ब्लॉग कैसे रखना पड़ता है, है? काम नहीं करने देती लड़की। इसको मैं कम कर दूंगी, इसमें डाल देंगे पानी। इसको तो भाई अब मैं आ गई हूँ नीचे अपने कमरे में और सब्जी को छौंक करके रूबी से बोल दिया मैंने, वो देख लेगी। तो दोस्तों ये देखिए मैं अपनी जो मैंने नाश्ता कर लिया है और अब मैं ये नाश्ते की एक गोली खाऊंगी। मैं आपको बता दूं कि मैं वहाँ पे गई थी अपने ननद के यहाँ, तो वहाँ कुछ ऐसी बात हो गई थी कि मतलब मेरे को सबने अवॉइड करके रख दिया था। किसी ने मतलब मेरे से मतलब इतना मोह मतलब कुछ संपर्क नहीं रखा, इतना बोलना चालना नहीं। तो वहाँ से मेरे को फिर से डिप्रेशन हो गया और मैं फिर से 2-3 हज़ार की दवा लेके आई। तो दोस्तों नहीं तो मेरी डिप्रेशन की दवा बिल्कुल बंद हो गई थी और अब फिर मेरे को पता नहीं कब तक खानी पड़ेगी। और 6 महीने पहले मैंने खाई थी, अब फिर मेरे को पता नहीं कितने दिन खानी पड़ेगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पर लोग बागों का क्या है, कोई किसी का भला नहीं सोचता है कि रिश्तेदार हों या घर के हों, घर पर किसी को मतलब ये नहीं रहता कि ये इंसान सही रहे, सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। दुनिया तो ऐसी है और कहने को तो अपने अपने लगते हैं पर जब देखा जाए तो कोई अपना नहीं लगता। तो बस ऐसा ही है दोस्तों सब में। तो और कभी रिश्तेदारों में मतलब अनबन हो जाती है कहीं किसी में, कहीं किसी में, तो मतलब मेरा मैं थोड़ा सा भावुक टाइप में ज़्यादा हूँ तो मेरे को ऐसा मतलब फील होता है ज़्यादा, तो मैं मेरे को दिमाग से सीधा अटैच्ड हो जाता है। तो दिमाग में मतलब कोई चीज़ अडक्ट करती है तो सारे वो दिल पे करती है, दिल से फिर घबराहट होगी तो फिर सारा किया कराया दवाई वहीं से फिर से शुरू करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये है मेरी असली परेशानी, मैं क्या करूँ, मैं कब तक जूझती रहूँ। तो दोस्तों इसकी वजह से जो मेरे वीडियो हैं वो टाइम से नहीं आते हैं और वैसे भी भगवान ने बहुत दिया है मुझे और एक झोंपड़ी वाला इंसान इतना सारा घर मिल गया, घर बन गया मेरा और मेरे बच्चा की दुकान उकान खुल गई है। तो हमें इतना सारा भगवान ने दिया है तो अब इतना ज़्यादा मेरे को तमन्ना नहीं है किसी चीज़ की। तो दोस्तों ये जो ब्लॉग है मैंने ऐसे ही बनाया था कि मैं भी मतलब हाउस वाइफ हूँ तो थोड़ा बहुत क्रिएटिव मतलब रहूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते हैं तो मैं थोड़ा सा मेरा दिमाग इसमें लगा रहे, डिप्रेशन से भी दूर रहूं। तो इसी के मद्देनज़र मैंने ये ब्लॉग बनाया था दोस्तों कि मेरा दिमाग बिजी रहे, मैं कुछ ऐसा करती रहूं क्रिएटिविटी, तो इसकी वजह से मतलब मेरा मन लगा रहे। और मेरे हस्बैंड जब रिटायर होके आ जाएंगे फिर तो शायद मैं ठीक ही हो जाऊंगी, क्योंकि देखो बोझ जो घर पे होता है ना तो बहुत तो बड़ा होता है, घर की जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं कि उठाना बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ ये देना है, यहाँ ये करना है, बच्चे बहू हैं, फिर भी मतलब जिम्मेदारी तो एक सास के ऊपर ही होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है सारा कुछ। तो दोस्तों इसी के साथ अभी मैं सब्जी छौंक के आई थी, मैंने बोला अब वो रूबी है वो खाना बना लेगी। तो ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा दोस्तों, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और धीरे धीरे मैं जैसे ठीक होती जाऊंगी तो वैसे वैसे आपके लिए ब्लॉग छोटे छोटे से सही या बड़े बड़े सही लेके आऊँगी। टायसन देखो अब ये इतना बदमाश है टायसन, और मेरे ऊपर ऐसे लद जाता है, अब गया देखो कैसे कर रहा है, क्या कर रहे हो जे, क्या कर रहे हो टायसन, क्या कर रहे हो, बस ऊधम क्यों, ऊधम क्यों, ऊधम क्यों कर रहे हो, हैं ऊधम क्यों कर रहे हो, हैं। दोस्तों इससे ज़रा सा मैं प्यार से बोल दूँ फिर तो ये मेरे ऐसे ही पड़ा रहता है और इसको ये नहीं पता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बस इसका मस्ती सूझती रहती है बस। तो दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, बाय। और जो भी गलती उसे
गलती हो गई हो भाई मुझसे जो बोलने में, तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि जो डिप्रेशन की वजह से थोड़ी सी जो जो लैंग्वेज होती है, वो बात होती है, वो लड़खड़ा जाती है दोस्तों, इसकी वजह से तो इग्नोर मार दिए दीजिए ऐसी गलतियां तो होती रहती है। तो तब के लिए बाय बाय, ना बाय।